नंबर में भी उसी तरह का क्वेश्चन है, पी एक्स में गुणा करना है क्यू एक्स से, तो पी एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं एक्स एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का फोर, और क्यू एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, गुणा करते हैं। पहले एक्स क्यूब को लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को, ठीक है, एक एक करके, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर लेंगे, इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स प्लस वन को, फिर प्लस का फोर लेंगे, इसके साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन को। चलिए गुणा करते हैं, एक्स का पावर फाइव और प्लस में थ्री एक्स का पावर फोर, ठीक है, अच्छा, और फिर प्लस में एक्स क्यूब, समझ गया ना, तीनों में गुणा किए, यहाँ पावर जुड़ गया, यहाँ भी कुछ नहीं तो वन है, पावर में यहाँ वन है ना, ये थ्री, तो एक्स का पावर फोर हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो, माइनस एक्स का पावर फोर माइनस का थ्री एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, सबका साइन भी बदलेगा, अच्छा, क्योंकि बाहर माइनस है इसमें। चलिए अब अगला देखते हैं, यहाँ पे गुना करना है, तो प्लस का चार एक्स स्क्वायर, अच्छा, और प्लस का चार तिया बारह एक्स, चार तिया बारह एक्स और प्लस का चार, तो ये पावर फाइव वाले को पहले, फिर देखो फोर वाले को यहाँ पे और यहाँ पे है, तो प्लस टू एक्स का पावर फोर हो जाएगा, क्यूब वाला यहाँ है और यहाँ है, ठीक है, यही है, तो घटेगा तो माइनस का टू एक्स क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर वाले पे चले तो स्क्वायर वाला यहाँ है और यहाँ है, तो घटेगा तो प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और देखो ये प्लस का बारह एक्स और प्लस का चार ऐसे ही आ जाएगा, यह आपका गुना आ गया, और इसका घात पूछ रहा है, तो इसका घात आपका पांच हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर